हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ लॉ इन द कंपटीशन कम्युनिटी। और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लेके आए हैं हमारे लॉ सिंप्लीफाइड सीरीज का एक और वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में बड़े ही शॉर्ट में और बड़े ही आसान तरीके से हम समझेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान के मेन सोर्सेस और फीचर्स क्या है, यानी कि संविधान बनने से पहले हमने किन किन देशों से और किन किन रिपोर्ट से उसके प्रोविजन को अडॉप्ट किया है, वहां से हो के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उन प्रोविजंस को डाला है। और दूसरा, जब वो संविधान बनके तैयार हो गया यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया तो उसके सबसे खास फीचर्स क्या है। अब सोर्सेज और फीचर्स को पढ़ना क्यों जरूरी है, फीचर्स और सोर्सेज को पढ़ना दो कारणों के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला कारण है ये कि ये आपके मेंस के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके साथ ही साथ इंटरव्यू में भी कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर आप हमें बस इतना बताइए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आपके हिसाब से मेन फीचर्स क्या है। और दूसरा रीजन ये है कि इससे पहले कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के कॉम्प्लेक्स आर्टिकल्स में जंप करें, हमारे लिए जान लेना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहां से हुई थी और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कहां से अडॉप्ट किया है। कई बार प्री में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है अडॉप्टेशन के ऊपर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बिना ज्यादा देरी किए हम शुरू करेंगे सोर्सेज एंड फीचर्स को डिस्कस करना, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। और बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही आसान वीडियो लेक्चर ये होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं सोर्सेज से। तो अगर हम कंट्रीज से पहले कहीं रुकना चाहेंगे तो हमें पता होना चाहिए एक नेहरू रिपोर्ट और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये दो ऐसे मेजर रिपोर्ट और एक्ट्स हैं जिनसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ज्यादा प्रोविजंस इंस्पायर हुए हैं। यानी कि ये एक नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी और उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दोनों के दोनों जो एक्ट थे या ये दोनों के दोनों जो रूल्स थे या ये दोनों के दोनों जो रिपोर्ट थे, इनकी खास बात ये थी कि इनके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए थे जो कि एज इट इज या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ हमने उठा के कहां पे डाला, अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाला। ये तो बात हुई एक रिपोर्ट की और एक एक्ट की, लेकिन असल में आधे से ज्यादा जो हमारे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वो दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन या वहां के प्रोविजंस से इंस्पायर्ड है, जिनको हम आगे की स्लाइड्स में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दो मेजर कंट्रीज में हम इसको डिवाइड करते हैं, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि इंडिया में किसी को अगर जाना है तो या तो न्यूयॉर्क जाना है या तो लंदन, इन्हीं दोनों के देशों के बारे में यहां पे बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले डील करते हैं यूनाइटेड किंगडम को। तो यूनाइटेड किंगडम से हमने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हमारे देश में पार्लियामेंट होगी, राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी और उसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट लिया जाएगा कोई एक्ट बनने के बाद। ये हमने यूके से अडॉप्ट किया। उसके साथ ही साथ सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि हमारे देश का अगर कोई नागरिक है तो वो किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकता है। ये भी हमने कहां से अडॉप्ट किया, यूके से अडॉप्ट किया। रूल ऑफ लॉ जिसको हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14 के एम्बिट में कि न्याय का शासन यानी कि सबसे ऊपर कौन होगा, लॉ होगा। इसमें एडवर्ड कोक और डाइसी दो ऐसे जुरिस्ट हैं जिनका नाम हम पढ़ते हैं। तो रूल ऑफ लॉ भी हमने कहां से अडॉप्ट किया, यूनाइटेड किंगडम से अडॉप्ट किया। और मैंने जो दो जुरिस्ट का आपको नाम बताया एडवर्ड कोक और डाइसी, ये दोनों भी कहां के थे, यूके के थे। इसके साथ ही साथ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, अब ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर की लॉ कैसे बनेगा, ये भी हमने अडॉप्ट किया था यूके से। और उसके साथ ही साथ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी कि पार्लियामेंट को जो स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड हैं, ये भी हमने अडॉप्ट किया था यूके से। अब हम जंप करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें अडॉप्ट करी। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं ये हमने अडॉप्ट किया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे लेंथी पार्ट और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट और सबसे ज्यादा इंटरप्रेट किया जाने वाला अगर कोई पार्ट है तो वो है पार्ट 3। और पार्ट 3 में स्पेशली अगर देखा जाए तो 1921-14। चलिए सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम रहेगा, ये भी हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि हमारे जो डेमोक्रेसी है उसके तीन अंग होंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो सबसे अलग होगा, क्यों, क्योंकि उसका काम है ये इंश्योर करना कि सोसाइटी में लॉ सही से प्रिवेल कर रहा है। उसके साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशरी के पास ये पावर है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बनाए हुए रूल्स, ऑर्डिनेंसेस या लॉज को या एक्ट्स को वो रिव्यू कर सकता है और उसको नलिफाई भी घोषित कर सकता है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट किए जाएंगे, इलेक्ट करके उनको हेड ऑफ द स्टेट बनाया जाएगा, ये भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स प्रोसीजर, यानी कि प्रेसिडेंट जो है उसको इंपीच भी किया जा सकता है, इसका भी प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया यूएसए यानी कि अमेरिका से। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आपको अगर पता हो जो बाइडेन जो कि अभी प्रेजेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो इससे पहले बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट थे, तो जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है वो भी हमने अडॉप्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और उसके साथ ही साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि फाइनेंस के सेक्टर में अगर कोई इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है देश में या किसी स्पेसिफिक एरिया में, उसका प्रोविजन भी हमने अडॉप्ट किया था अमेरिका से।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारे पास पांच कंट्रीज, इनको हम डिवाइड कर देते हैं दो प्लस तीन में। इनमें से तीन ऐसी हैं जिनसे हमने एक या दो चीजें अडॉप्ट करी हैं, और उसके बाद हमने दो ऐसी कंट्री जिनमें हमने तीन से ज्यादा चीजें अडॉप्ट करी हैं। तो सबसे पहले कनाडा को देखते हैं। कनाडा से हमने अडॉप्ट किया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और रेसिडुअरी पावर्स, ये हमने अडॉप्ट किया कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या अडॉप्ट किया? प्रीएम्बल, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन को खोलते ही सबसे पहले हमें क्या मिल जाता है? प्रीएम्बल। और प्रीएम्बल के कुछ अगर इंपॉर्टेंट केसेस को देखे जाए तो केशवानंद भारती उनमें से एक है। उसके साथ ही साथ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों अपने क्या बना सकते हैं? लॉज बना सकते हैं। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होगा? स्प्लिट होगा पावर का। कुछ काम सेंटर करेगी, कुछ काम स्टेट करेगी। ये हमने कहां से अडॉप्ट किया है? ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि ऑस्ट्रेलिया से हमने ये तीन मेजर चीजें अडॉप्ट करी हैं। बात आती है आयरलैंड की। आयरलैंड से हमने क्या किया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी। ये क्या होता है? इनफोर्सिएबल नहीं होता है कोर्ट में, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से। उसके साथ ही साथ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा यानी कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में मेंबर्स नॉमिनेट होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी राज्यसभा में जाएंगे। ये हमने अडॉप्ट किया था आयरलैंड से। साथ ही साथ इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम है वो भी हमने अडॉप्ट किया था आयरलैंड से। जर्मनी से हमने क्या अडॉप्ट किया? प्रेसिडेंट्स पावर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के समय प्रेसिडेंट की क्या खास पावर्स हैं वो हमने जर्मनी से अडॉप्ट किया। उसके साथ ही साथ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने अडॉप्ट किया प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किया जा सकता है और किस प्रोसेस के तहत किया जाएगा, ये हमने अडॉप्ट किया था साउथ अफ्रीका से। अब आते हैं हमारी आखिरी की तीन कंट्री जिनसे हमने मैक्सिमम दो या ऑलमोस्ट एक हमने अडॉप्ट किया है। रशिया से हमने अडॉप्ट किया फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हमने जापान से अडॉप्ट किया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कहां यूज होता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फंडामेंटल राइट के किसी सेक्शन में क्या हम इस्तेमाल करते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ? और इसके साथ ही साथ हमने पिछले एक वीडियो में आपको इसके बीच का डाउट भी क्लियर किया था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच में फर्क क्या होता है। आर्टिकल 21 का जवाब तो नहीं है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ्रांस से हमने क्या लिया था? रिपब्लिकन सिस्टम। और उसके साथ ही साथ एक बार ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी नहीं है, ये रिपब्लिकन सिस्टम है जो कि हमारा कंट्री है। और उसके साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड का जो प्रिंसिपल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सोल उसकी बात को कैरी करता है, ये भी बात हमने अडॉप्ट करी थी फ्रांस से। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 10 सबसे मेजर फीचर्स को। चलिए, अगर हम फीचर्स के बारे में डिस्कशन करना शुरू करें तो सबसे पहला और प्राइम फोकस हमारा किस पे रहेगा? जुडिशरी पे। क्यों? क्योंकि हम लॉ स्टूडेंट हैं? नहीं सर, किसी भी डेमोक्रेसी में अगर उसकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो यह बात निश्चित है कि वहां पे रूल ऑफ लॉ हमेशा सस्टेन करेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी सबसे प्राइम जो फीचर है वो ये है कि हमारे यहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर प्रिवेल करता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है? सेक्युलर स्टेट। यहाँ पे कोई स्टेट का धर्म या कोई कास्ट नहीं है, यहाँ स्टेट सबके लिए बराबर है, हर कोई अपने धर्म अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है और अच्छे से यहां पे रह सकता है। तीसरा, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्यों? हमारे देश का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं होता, अगर कोई इंडिया का नागरिक है तो वो इंडिया का ही नागरिक रहेगा। डुअल सिटीजनशिप कहीं पे है क्या? अगर आपको पता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, हमने कुछ ड्यूटीज भी तय करी अपने नागरिक के लिए कि आपको ये ड्यूटी आइडियली एक अच्छे सिटीजन होने के नाते परफॉर्म करनी चाहिए। उसके साथ ही साथ आखिरी में आता है अडल्ट सफरेज। अब आधे बच्चे ये शब्द सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, अडल्ट सफरेज इसका मतलब और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो आपको वोट देने का राइट होता है। जैसा कि आपको मेरी उंगली में भी दिख रहा होगा कि मैं भी वोट देके आया हूं, तो ये जो अडल्ट सफरेज है ये इसी की बात करती है कि 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हमारे यहाँ पे वोट देके अपने लीडर को चुन सकते हैं और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद आखिरी के पांच और देखते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और यह बात सिर्फ मैं ही नहीं, सर आइवर जेनिंग्स ने भी कही थी। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, जिसमें कितने पार्ट्स, कितने शेड्यूल्स और कितने आर्टिकल्स हैं, ये आपकी ड्यूटी है, आप हमें नीचे बताएं। उसके बाद सोर्सेस इज पीपल, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर कहां से ले रहा है? वो अपनी पावर किसी स्टेट से, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से नहीं ले रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को एम्पावर करते हैं हम और आप, यानी कि कॉमन पीपल, और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्राइम फीचर है। उसके बाद फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट किस बारे में बात करते हैं? फंडामेंटल राइट बात करते हैं कुछ मौलिक अधिकार जो हर एक सिटीजन को है और उसको किसी भी हाल में वायलेट नहीं किया जाता, एक्सेप्ट कुछ सिचुएशंस में, जब एक एक्सेप्शनल सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जैसे कि किसी इंसान को उसके घर में बंद किया जा सकता है अगर इमरजेंसी लगाई जाए, अदरवाइज नहीं। उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में है, भले ही इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, यानी आप उसे कोर्ट्स में जाके इनफोर्स नहीं करा सकते, बट स्टिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सोर्सेस
और फीचर्स को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको जान लेना, समझ लेना और अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को बैठा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है और आपके कॉन्सेप्ट के पॉइंट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडीइंग एंड कीप हार्ड वर्किंग। अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के करियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।